हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज की जो हमारी वीडियो होगी वो चेस्ट के ऊपर होगी। असम राइफल्स की तैयारी करने वाले जितने भी लड़के हैं, खास करके जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 80-85 सेंटीमीटर रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूँ, असम राइफल्स में 3 ट्रेड की भर्तियाँ हैं। पहला क्लर्क, ट्रेड और टेक्निकल। क्लर्क वालों के लिए जो हाइट है वो 1.65 है, तो हाइट के हिसाब से उनका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर है। लेकिन बात करते हैं टेक्निकल और ट्रेडमैन की, तो उसमें जो हाइट का मेजरमेंट है वो 170 सेंटीमीटर है और उनमें जो चेस्ट लिया जाएगा वो 80-85 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जिन लड़कों का चेस्ट कम है वो लोग अपने चेस्ट के लिए आप एक्सरसाइजेस में आपको बताऊंगा, आप उसे फॉलो करें। और दूसरा, आप लोगों को ये बताऊंगा कि असम राइफल में चेस्ट का मेजरमेंट कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए और आपको भी मैं लाइव चेस्ट को मेजर करके दिखाऊंगा कि आपको वहाँ पे चेस्ट कैसे फुलाना है। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं असम राइफल्स के लिए, अभी मैं उनका चेस्ट आपके सामने नापूंगा, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, आप तीनों को देख रहे हो, इन तीनों को, ये तीनों असम राइफल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और सबके सब टेक्निकल और ट्रेडमैन वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, ट्रेडमैन और टेक्निकल में 80-85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा आगे आ जाएं और यहाँ पर लाइव दिखाएं कि 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल कैसे होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका सिर्फ नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ इसका नॉर्मल 82 सेंटीमीटर हो रहा है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया है। इसका चेस्ट काफ़ी सही है और आपको एक्सपेंड करना है दोस्तों, मतलब आपको फुलाना है। आपका नॉर्मल तो दोस्तों 82 सेंटीमीटर का आ गया, अब इसको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना है। विकास, खींचो। ये देखिए दोस्तों, 86 सेंटीमीटर गया दोस्तों, पूरा 5 सेंटीमीटर का फुलाव जा रहा है इसका और अभी भी फूल ही रहा है। ये 87 पे पहुंच गया दोस्तों, बहुत बढ़िया चेस्ट है इसका, बहुत सही चेस्ट है दोस्तों इसका और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा है ये। अब दोस्तों, मैं अपने दूसरे स्टूडेंट का चेस्ट आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप लोग का वहाँ पे चेस्ट मेज़र होगा। चेस्ट में बिल्कुल भी आप लोग को रियायत नहीं बरती जाएगी और कोई छूट भी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो नॉर्मल है वो 81 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर का ये फुलाव करेगा, आप देखिए कैसे ये फुलाता है, इसका फुलाने का ट्रिक देखिए, फुलाव। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया तरीके से चेस्ट खींचा है और बहुत बढ़िया गया इसका, 89 सेंटीमीटर गया दोस्तों, काफ़ी अच्छा फुलाव इसने इसमें दिखाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको वहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चेस्ट अगर आपका कम है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट होकर अपना चेस्ट को फुलाना है। अब दोस्तों, मैं अपने तीसरे स्टूडेंट का आपको चेस्ट दिखाऊँगा, इसका चेस्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग देखिए कि क्या ट्रिक है इसका चेस्ट फुलाने का। तो मैं आपको पहले बता दूँ, इसका नॉर्मल जो है इसका 82 सेंटीमीटर, ये देखो फीता भी छूट रहा है मेरे हाथ से, इसका 82 सेंटीमीटर इसका नॉर्मल है, इसने अभी तक बिल्कुल भी फुलाव नहीं किया है, अब ये फुलाव करेगा, खींचो। तो देखिए दोस्तों, फुलाने के बाद इसका जो चेस्ट है बढ़ता ही जा रहा है और ये 92 सेंटीमीटर दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, 92 सेंटीमीटर फुलाव है, मतलब कम से कम इसका 8-9 सेंटीमीटर का फुलाव है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी कि आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी जो कि आप लोग का चेस्ट फूल जाए और आप लोग का चेस्ट मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले पुशअप्स आपको दिखाना होगा जो आप लोग डेली करते हो, वो हाँ करने वाला, हाँ हाँ, पांच, सिर्फ 5 को लगाना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इस एक्सरसाइज को, आपको डेली सिर्फ ये 5 सेट मार रहे हैं, इससे आपके चेस्ट में एक्सपेंड आएगा दोस्तों। आपका चेस्ट कम है तो आपका चेस्ट बढ़ेगा, बहुत सही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको चेस्ट के ऊपर वीडियो? अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो हमारी होगी वो स्पीड वर्कआउट पे होगी, जो बच्चे 5 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं, टाइमिंग कैसे कम करना उन्हें, तो मैं ये वीडियो आप लोग को कल लाऊंगा। चैनल पे बने रहो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद।